मैंने देखा मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए. बाय, हैव अ नाइस डे. सो आज पक्षी पारि तो स्कूल खुलिले, पक्षी स्कूल गोल पारि कितना मैं थम. और आज टिफिन अनपपुलर डिमांड छोले भटोरे. छोले एया भटोरे मैंने पक्षी खाले पारि खाले और पक्षीक टिफिन दिल पारि टिफिन तो पेक करूँ इतना बनाय पे और हजबेन्डर कारण ब्रेकफास्ट तो रेडी करूँ. सो मैं गा धुब गलो ऊल्ए देखी बतर एने एकदम बता धुमुहा केमेर एटमस्फेयर इन भल्के कपुर बाहर मेल से दौड़ी दौड़ी सोमाइसे. सो आज मौसम देखिए कैसा किया है, बिल्कुल तूफानी तूफानी है. मैं नहाने के बाद आगे देखा कि हवा चल रही है, बारिश होने वाली है, तो फटाफट कपड़ों को अंदर मैंने किया भी. और मौसम ऐसे बहुत अच्छा भी लग रहा है इस तरीके का मौसम. बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और अभी मेरा है योगा. आज से मेरा योगा शुरू है तो देखती हूँ ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता है कि नहीं. नहीं मिलेगा तो योगा करने के बाद ब्रेकफास्ट खा लूँगी. फिलहाल योगा की तैयारी करती हूँ. तो इमान दुनिया बरसुण दीबले लगी गल बहुत दिन. एक्चुअली कि भाग्य बरसुण दिया ना इतना बरसुण लग गई जो इन भल लगे बारिश शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. जैसे गर्मी बिल्कुल ही चली गई है और थोड़ा सा कैप्चर कर लो आप लोगों के लिए. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बच्चे नहीं है घर पे, बच्चे स्कूल गए हैं. तो फुल ऑन मैं आज़ादी मतलब आज़ादी में हूँ. अभी गाने सुन रही हूँ. फिलहाल गाना ऑफ कर लेती हूँ, पॉज कर लेती हूँ. सो गाने सुन रही हूँ, गाने सुन के अपना काम कर रही हूँ. योगा कर लिया है मैंने, उसके बाद फिर सर पे मैंने आज एक हेयर मास्क लगाया है. मेरे बाल लिटली बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं क्योंकि गुवाहाटी से आने के बाद से मैंने कुछ भी हेयर केयर कुछ भी नहीं किया. इनफैक्ट थोड़ा सा भी ऑयलिंग भी नहीं किया था बालों में. तो आज मैंने थोड़े हेयर पैक में मैंने क्या मिलाया है, एक अंडा, एक चम्मच दही और थोड़ा सा हनी मिलाया है, बस और कुछ नहीं है. तो अभी फ़िलहाल टिफ़िन बन रहा है हस्बैंड का और नहा तो मैंने लिया था योगा करने से पहले. अभी जब टिफ़िन हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर से नहा लूँगी. नहा धो के फिर देखती हूँ आज का रूटीन क्या होता है. फिर परी को लाने भी जाना पड़ेगा 12:45 में. और नेक्स्ट थिंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने देखा मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये सारी जो खुशी है ना आप लोग की वजह से है. सो आप लोगों को ही मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक्स अ लॉट. मैं जानती हूँ कि YouTube की दुनिया में 1K सब्सक्राइबर मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा बात होती है. 1000 लोग अगर मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं तो कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगा और बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है. तो बहुत बड़े की लालच कभी मुझे नहीं रही है, लेकिन हाँ बड़े मतलब आगे बढ़ने का हमेशा मुझ में लालसा तो है. लेकिन जो छोटे छोटे ऐसे माइलस्टोन होते हैं ना, उनको सेलिब्रेट करना, उनको सेलिब्रेट भी नहीं, उनके लिए वो ग्रैटिट्यूड रखना कि चलो कुछ है तो किसी की वजह से है, किसी की वजह से हुआ है. और वो ग्रैटिट्यूड का ड्यू जो हक होता है ना, उसको देना, जो आप लोग हैं, आप लोगों ने मुझे 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है. सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. और इसी तरह से मुझे आप लोग प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए. और मेरे बच्चे चाहते हैं, पॉकी इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो चाहते हैं कि 1K का मैं कुछ सेलिब्रेशन करूँ. तो 1K YouTube की दुनिया में बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरी दुनिया में मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. तो आई थिंक केक वगैरह कुछ तो करूँगी मैं, देखती हूँ आज कर पाओ या कल कर पाओ. लेकिन फ़िलहाल के लिए थैंक्स अ लॉट. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट. अपनलोके सबे सकोए मुख सपोर्ट कर पे 1K लेके अपनलोके मुख पुआ लेके आज रातिपुवा मोर 1K हो गल. और मैं तो बहुत बेसि हेप्पी, मोर लरा छोवाली तहतीय हेप्पी, हजबेन्डो हेप्पी और हेप्पीनेस तो अपने मोर मुखर गम पासे सके कि बेसि 1K. मैं जानू 1K सब्सक्राइबर एक यूट्यूबर जगत कारण, कि मोर जगत कारण मोर कारण बहुत बेसि और हम्बल हुआ, ग्रेटिट्यूड रखा तो आम कारण बहुत दरकारी और
जार कारण तक डिओ ग्रेटिट्यूड तो दियाओ दरकार। सो अपना सकुए मिली मूक सपोर्ट कर आज इे पाई से थैंक्स अ लॉट और सदा इनके मूल सपोर्ट कर बर्तमान मोर चेहरा तो अपने नाचाव एकदम अवस्था बेहस योगा करूँ कर अलमान हेयर पैक लगे आज कणी दई और अलमान मऊ दी पे। सो मैं चुले अकफ हो गए डेंड्रफो सोने भाविल इतना इतना टिफिन सिफिन आधा आधी पेकिंग आरम्भ कर भात भराल बाकी भराम इतना कर तार पास गा धुमकें गा धु पारि कानी जा ब्लग तो इंपर आरम्भ कर स्कूल बेहद ने भल बो भल टिफिन तो उलिया दिए हाँ। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है लाइक थर्सडे का और यहाँ मैं हस्बैंड के लिए टिफिन बना रही हूँ। ये बना रही हूँ टमाटर और आलू वाली जो फिश का झोल होता है ये एक्चुअली टमाटर सिर्फ ही लाई थी अरुणाचल से। और यहाँ पे दाल है, दाल में मैंने कटहल के जो बीज होते हैं ना वो दिए हैं, वो हम लोग खाते हैं इस तरह से। और यहाँ ये लंच तैयार हो रहा है तो कल जो कल कुछ भी फिर मैंने शूट नहीं किया था काम में मैं बिजी हो गई। ये देखिए खाना बनाते बनाते क्या हो गया है, मैं मसाला डब्बा जस्ट यहाँ रखती हूँ, यहाँ से नीचे ला रही थी तो मेरे हाथ से फिसल के पूरा मसाला गिर गया है। काम जैसे जैसे काम है मेरे पास तो और बढ़ गया है, इस तरह क्या हो गया, मुझे बहुत गुस्सा है। अभी इन सबको साफ करना पड़ेगा। सो मसला टेमाटो मैं तल्ले नमाय आसो इते थो मैं यार पर तल्ले नमाते गुटे भात पिछले पड़े मैंने काम तो कम आने बेसि हो गल और इफाले बिलाही मटर टेगा और भेन्दी ड्राई फ्राई बना दालि हो गल अलरेडी और हजबेन्डक टिफिन दीपरा भातो बनालो आजिकल कूकार भात नबना मैं इनके मुकिल के बना। सो बस इतना ये साफा कर लो। तो परी को मैं स्कूल से ले आई हूँ। हाय परी। और अभी मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाया है, हालांकि टाइम हो रहा है पक्षी को लाने का, लेकिन क्या होता है कल रात को फिर से मेरी एलर्जी ट्रिगर हुई तो एलर्जी के लिए मैं एलर्जी की ये जो मेडिसिन है ये मैंने खा ली थी एक टैबलेट, तो उसके बाद मुझे एलर्जी मेडिसिन से बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, नींद आती है मुझे। तो आज दिन भर मैं जैसे नींद में ही हूँ ना, नींद के नशे में हूँ उस तरह से। तो मैंने सोचा एक कप चाय पी ली थी, मुझे गाड़ी चलाने में भी आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लगा हुआ था तो इसीलिए एक कप चाय पी के फिर पक्षी को लाने जाऊँगी। सो कल मोर राति आको एलर्जी प्रब्लम तो उकाले। सो मैंने बहुत बेसि खजुति रैशेस हो गए मेडिसिन खाई ललो और खाई लगे लगे आज मैंने टोपनी आज टोपनी सार पाबा ना तथा तैने उठी काम साम कर टोपनी टोपनी लगे एक कप चाह इतना खा लो लाल चाह एक पारा के बाकी लैस खा पक्षी कानी जा। तब मैंने लास्ट जो शूट किया था शायद मैं चाय पी रही थी पक्षी को लाने, उसके बाद पक्षी को मैं लाई लेकिन मुझे वो डिजीनेस था जो एलर्जी मेडिसिन से होता है। आई डोंट नो आप लोगों को होता है कि नहीं, पर मैं जब भी मतलब लिवोसेट्रिजिन वगैरह खा लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डिजी डिजी फील होता है। आज कुछ ज़्यादा ही फील हुआ मुझे, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद मैंने उनको खाना दिया, खाना देने के बाद मेरे से रहा भी नहीं गया, बर्तन वर्तन जैसे थे मैंने वैसे ही छोड़ा और मैं सो गई। मतलब मैं जैसे मैं आई थी कि थोड़ा सा बेड पे अगर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं सो ही गई। उसके बाद फिर जब मैं एक्चुअली बिल्कुल शॉक से मैं उठ गई थी, कुछ बुरा सपना मैंने देख लिया था, उसके बाद से पैल्पिटेशन शुरू हो गया था, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। उसके बाद फिर सो गई मैं। मतलब मैंने बीच में सुरभि को फ़ोन किया, उसको बुलाया कि थोड़ा आ जाओ मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, तो वो आ गई, उसने मुझे फिर चाय वाय दिया, मैं उठा के वो चली गई थी, मैंने मुँह धो लिया था, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। फिर हस्बैंड जब आए उसके बाद हस्बैंड ने चाय दिया, स्नैक्स वगैरह फिर बच्चों को दिया, तो अभी जाके थोड़ा सा लाइक फ्रेश हुआ है। फिर भी मेरी आंखें देखिए मैं सो सो के आज मेरी हालत ख़राब है। तो आज दिन में मुझे बहुत सारा काम था, बहुत सारा स्टिचिंग का काम था, मुझे एक डिलीवरी देनी है, तो आज दिन भर का मैं लेके चली थी कि उस काम को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई मैं, कुछ भी नहीं, मतलब इतना सा भी नहीं कर पाई। तो अभी यहाँ आई हूँ मैं, यहाँ पे आके मैंने बच्चों को बोला है कि आज जो पढ़ाई वढ़ाई है, होमवर्क वगैरह है, खुद ही कर लो, क्योंकि मुझे इसमें लगना है, क्योंकि परसों मुझे डिलीवरी देनी है और आज तक काम मेरा, मतलब जो काम आज का मैं लेके चली थी वो काम नहीं हुआ है, तो उसको करने के लिए आई हूँ। और जो मेरा 1K का सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन तो क्या, मतलब मैं सोच रही थी 1K ला के मैं कट करूँगी, लेकिन तबीयत
ऐसी हो जाने की वजह से अभी तो मतलब करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं करूँगी। जो सेलिब्रेशन होगा वो परी के बर्थडे वाले दिन होगा, उसका बर्थडे है सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को, तो उसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, साथ ही मेरे 1K का भी सेलिब्रेशन हो जाएगा। और तो बस यही तक आज का ब्लॉग था, होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा डिजीनेस है ये, शायद जाते जाते ही जाएगा, आज तक तो शायद ये असर रहेगा। सो फ्रेंड्स मैं इतना लास्ट मैंने सह खाते शूट कर एक शूट कर शुकिल मैं मैंने एलर्जी मेडिसिन खार पास के मोर नए के मैंने इमे बेसि तर साइड इफेक्ट है, टुपनी आए एक गम नपा। सो आज दिन तो मोर कब रुटीन काम बाहर अन्य एक कम नुटिक बुटिकर काम तो एक बारे नहल और अर्डर मैंने दी आसमार्जेन्सि। सो इतना बुटिकर काम लगे और इतना कैसा निजे निजे पढ़ा चढ़ा होमवर्क सोमवर्क कि आसे कर लोबर कारण मैं एखिनि काम आग बढ़ाओ और जो 1K केक तो मैं परी बर्थडे आसे सैटरडे सैटरडे परी बर्थडे सेलिब्रेशन हम सीदा मोस्ट प्रबलि घर मानु मोर। सो सीदा 1K सेलिब्रेशन तो करम भाई साइगे ने नएगे बाकी ब्लॉग तो जो सब पासे आशा कर सबसक्राइब कर नपहर मोर चेनेल। सो इतने आई बाय फॉर नाउ गाइज।